नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल। मैं आपके साथ माधुरी कश्यप। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। देश की राजधानी नई दिल्ली से सटे हरियाणा के सोनीपत जिले के एक गांव की मस्जिद में घुसकर हमले की खबर आ रही है। अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार संदलकला गांव में करीब 20 लोगों ने मस्जिद में नमाज पढ़ रहे लोगों पर हमला कर दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हमला करने वाले सभी आरोपी उसी गांव के निवासी हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार संदलकला गांव में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ही एक छोटी मस्जिद बनाई है। गांव के ही कुछ लोग यहां नमाज पढ़ रहे थे, तभी करीब 15 से 20 लोग यहां पहुंचे और उन्होंने नमाज पढ़ रहे लोगों पर हमला कर दिया। दावा किया जा रहा है कि हमलावरों ने लाठी डंडों से लोगों पर हमला किया और फिर आराम से धमकी देते हुए वहां से चले गए। संदलकला गांव में दो गुटों के बीच यह झड़प क्यों हुई, इसकी वजह अभी स्पष्ट नहीं है। हरियाणा पुलिस ने इस मामले में 19 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर 16 को हिरासत में लिया है। संदलकला गांव में हुई झड़प में 9 लोग घायल हुए हैं। कर्नाटक चुनाव में उम्मीदवार तय करने के लिए भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। मीटिंग में PM नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, JP नड्डा, राजनाथ सिंह और भाजपा महासचिव BL संतोष समेत तमाम सीनियर लीडर मौजूद हैं। बैठक में भाग लेने के लिए कर्नाटक के CM बसवराज, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और अन्य सहित भाजपा नेता पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे। उधर कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार तय करने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर आज कांग्रेस मीटिंग की बैठक हुई। बैठक में राहुल गांधी, KC वेणुगोपाल, सुरेश वाला समेत कांग्रेस के कई सीनियर लीडर खड़गे के दिल्ली स्थित घर पर मौजूद रहे। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक कांग्रेस की उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी कर दी है। कर्नाटक चुनाव के पहले कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया, पार्टी ने BN चप्पा को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है। कर्नाटक में अभी DK शिव कुमार पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। राज्य में मौजूदा भाजपा सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इस बार मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और JDS के बीच है। पिछली बार JDS कांग्रेस साथ थी, लेकिन इस बार JDS अलग चुनाव लड़ रही है। भाजपा का मतलब अब भगदड़ पार्टी हो गया है। मुख्यमंत्री जी अपनी सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, बोमई साहब उनके मंत्रीगण हैं, वो अपनी सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। बोमई जी की फोटो पहले इतनी बड़ी होती थी, फिर इतनी हुई, अब वो इतनी रह गई। मुख्यमंत्री जी अपनी सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, बोमई साहब उधर जो उनके मंत्रीगण हैं वो अपनी सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, सब अपनी अपनी सीट छोड़कर भाग रहे हैं। भाजपा में भगदड़ मच गई है। भाजपा का मतलब अब भगदड़ पार्टी हो गया है। तो अब जब भगदड़ ही मची है और कोई चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता, तो कभी वो राउडी शीटर जो हैं और कभी फिल्म स्टार्स और फिल्म एक्ट्रेस, अब वो उन पे डिपेंडेंट हैं, क्योंकि ना बोमई जी को कोई सुनने आता, ना नड्डा जी को सुनने आता, ना मोदी जी की सभाओं में भीड़ आती, और अमित शाह जी की तो सारी कुर्सियां खाली रह जाती हैं। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी पैनिक स्ट्रिकन है, और ये इसलिए है कि 40% कमीशन से पूरे कर्नाटक को लूट कर, PSI जॉब स्कैम से, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब स्कैम से, असिस्टेंट इंजीनियर जॉब स्कैम से, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जॉब स्कैम से युवाओं का भविष्य लूटकर, जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो वो सब बिरादरियों का, सब कम्युनिटीज़ को बरगलाने के लिए SC ST रिजर्वेशन लाए। वो 56% हो गई, मोदी सरकार ने उसे खारिज कर दिया। तो वो लिंगायत्स का अपमान कर रहे हैं, वो कालिगा समाज का अपमान कर रहे हैं, बैकवर्ड समाज का अपमान कर रहे हैं, SC ST OBC समाज का अपमान कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ का अपमान कर रहे हैं। उन्हें अब कुछ नहीं मिल रहा, तो वो हर रोज़ एक नया शगुफा लाते हैं और हर रोज़ वो शगुफा फेल हो जाता है। अब सबसे नया शगुफा है महाराष्ट्र और कर्नाटक का टकराव करवाना, महाराष्ट्र की स्कीम को कर्नाटक में जबरन लागू करना। क्या इस प्रकार की बचकानी बातों से वो प्रदेश का ध्यान भटका पाएंगे? जवाब नहीं में। तो ये सही नहीं कि हम विदाउट फेस जा रहे हैं। हमारे विपक्ष के नेता हैं श्री सिद्धारमैया,
हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्री डीके शिवकुमार, और हमारे कैंपेन कमेटी हैं, काउंसिल लीडर हैं, दूसरे साथी हैं, चेहरे के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्या ये दोनों चेहरा नहीं है? मैं आपसे पूछता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कर्नाटक में कौन है? बोम्मई जी की फोटो पहले इतनी बड़ी होती थी, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, अब वो इतनी रह गई है, पोस्टर पर नज़र नहीं आती। तो चेहरा कौन है उनका बताएं? बोम्मई जी चेहरा हैं या फिर पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी चेहरा हैं, या फिर सीटी रवि चेहरा हैं, या फिर बेल्लाद चेहरा हैं, या फिर यत्नाल चेहरा हैं? सब एक दूसरे को गालियां निकालने में लगे हैं और एक दूसरे को काटने में लगे हैं, प्रदेश की तरक्की जाए भाड़ में। देखिए, प्रहलाद जोशी जी बहुत डेस्परेटली विपक्ष के नेता बनना चाहते हैं कर्नाटक की अगली विधानसभा में, पर उसके लिए नंबर तो चाहिएगा, क्योंकि 40% कमीशन सरकार की तो 40 सीट आने वाली नहीं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं प्रहलाद जोशी जी के, बहुत दिन से पाले हुए हैं। अब अगर मोदी जी उनकी बात सुनते नहीं, भाजपा उनकी बात सुनते नहीं, तो अपना गुस्सा और खिसियाहट हम पर क्यों उतार रहे हैं भैया? अपनी पार्टी से लड़ो के वो आपको प्रोजेक्ट नहीं कर रहे। खबरें देखने के लिए बने रहिए वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।